आपका पेपर है जीनोम वाइड बायोइनफॉर्मेटिक्स एनालिसिस एंड इंटरेक्शनल एंड इंटरेक्शन स्टडी ऑफ इथायरीन ओवर प्रोड्यूसर वन एंड एसीएस जीन फैमिली ऑफ बनाना एंड इट्स कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक एनालिसिस विद रैबिडोप्सिस। ईटीओ नहीं अब करना इसमें है? ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है? अब आई है जी सर, आ गई समझ। अच्छा, हमने ना सिर्फ ये जो जीन है ना इथाइलीन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर, ये जो जीन्स है इसका हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अरेबिडोप्सिस के अंदर जो इथाइलीन है ना आके बनाना के अंदर ये कहाँ कहाँ एक्सप्रेस, कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है और कौन से जीन जो है वो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, ये हमारा है टॉपिक। अच्छा, उसके लिए आपने ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है सारे का सारा। आपने ये डेटाबेस सर्च की और उसके बाद प्रोटीन अलाइनमेंट कर लिया आपने? जी सर। हेलो जी सर, ये अलाइनमेंट कर लिया आपने? सर वो कौन सी थी? प्रोटीन अलाइनमेंट एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। जी सर वो हो गया। यस सर हो गया ये। अच्छा, ये कंजर्व मोटिव भी मालूम कर लिया आपने, रेगुलेटरी एनालिसिस भी कर लिया। ये के एनालिसिस नहीं किया अभी तक आपने? सर वो इसमें समझ नहीं आ रहा कि फाइल्स का वो कोई मसला था, यही सना कर रही है लास्ट, यही वाला इसमें कोई फाइल का इशू आ रहा था, वो उसने पूछना था आपसे। इसमें ये था कि आपने ना ये क्लस्टर डब्ल्यू नहीं यूज करना, आपने टीबी टूल, ठीक है, ये है कि आप ये टीबी टूल इंस्टॉल किया हुआ ना आपने? जी सर। आपने ना मैं आपको बताता हूँ, ये क्लिक किया आपने, आपने यहां पर ना अदर्स में जाके ये सिंपल के ए एंड के एस कैलकुलेटर में जाना, ठीक है, यहां पर आपने सीडीएस की फाइल इसकी डाल देनी है, ठीक है, यहां पर प्रोटीन की फाइल, ठीक, और यहां पर जीन पेयर डाल देने हैं। सर ये किस तरह बनाने हैं? जीन पेयर इस तरह बनाने हैं कि आपने ना एक्सेल में जाना है, ठीक है, उसमें जाके जो भी आपके जीन है वो सारे ना, कितने टोटल जीन है एसीएस के आपके? 26 है। आपने क्या करना है कि फर्ज कह रहा हूं कि ये पांच जीन है हमारे, फर्ज किया ये पांच जीन है, ये कॉपी किए बल्कि ये जीन है, आपने इधर पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा, और फिर ये इसका जो फर्ज किया ये इतने बड़े हैं, इसका नाम बोल, इसका इन्होंने आपका भी इतना ही बड़ा ही होगा। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो दूसरा जीन है ना ये आपने इधर पेस्ट कर देना, ऐसे नहीं, ये क्या करना है कि हर जीन फर्ज के ये है ना इसके साथ ये वाला जीन कॉपी करके इसके आगे लिख देना, फिर यही जीन सबके अंदर आपने लिख देना,
ये कोई सा भी ले लें, चाहे वन वाला या थ्री वाला या फोर, मर्जी है। अच्छा, सारे जीन ऐसे कर लेने आपने, हर जीन एक दूसरे के सामने एक एक बार लिख देने आपने। सर मतलब वन के आगे टू लिख देना है और टू के आगे थ्री। जिस तरह आप ये देखें ना, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, पंज ते आगे है वन टू थ्री फोर फाइव, पंजू पाया पच्ची, ठीक है। जिस तरह मैच नहीं कराते, हर तीन टीमें हर टीम ने एक दूसरे के साथ मैच कर लिया। जी सर। तो ऐसे ही है, फर्ज किया अब ए टीम है ना, ये बी जीन है, ये सी जीन है, ठीक है। अब ए का बी के साथ मैच, बी का सी के साथ मैच, और सी का ए के साथ मैच। लगी समझ? जी सर। आपने भी अगर डी आ गया बीच में, तो फिर डी का ए के साथ भी मैच, डी का बी के साथ भी मैच, डी का सी के साथ भी मैच, तभी हर एक का हर एक के साथ मैच आएगा। अब आपने सारे कॉम्बिनेशन इस तरह लिख देने हैं। नहीं लगी समझ? सर मतलब वन वाले का टू के साथ भी करवाएंगे, थ्री के साथ भी, फोर, वन से लेकर 26 तक एक दूसरे के साथ आपको। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। अब जी सर, यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा जब हम इसको कॉपी ऐसे करते हैं? अब ये देखें आपके जीन किधर, मैं आपको बना ही देता हूँ किधर है आपके। आपने जीन भेजे हुए हैं? जी सर। किधर है आपके जीन? आपकी कोई भी एक फाइल मिल जाए मेरे, मैं आपको ना फोल्डर में देखता हूँ, शायद मेरे पास पड़ी। आपके पास है तो मुझे कोई सीडीएस की कोई भी फाइल मुझे व्हाट्सएप कर दो। इसमें वो अरेंजमेंट से नहीं लिखा हुआ, आपके पास नहीं है बच्चे? सर ये ईटीओ की सेंड की है। व्हाट्सएप? जी सर। ये ठीक, आपने इसको वो ऐसे क्यों नहीं लिखा? ये सुनाने सेंड की थी मैंने। नहीं, मैंने नहीं कहा था कि आपने इसको, ये आपका क्या है, मूसा अक्यूमिनेटा
ETO1 underscore, मैंने ऐसा नहीं कहा था आपको? जी सर, बाकी फाइल्स वैसे ही की हुई हैं, ये अभी रिसेंटली सना ने बनाई है तो इसमें नहीं हुआ हुआ। सर 8 है। ये तो मुझे 7 लग रही, दोबारा पता कर लो कितनी है। 1, हाँ ये ठीक है, सही कह रहे हो। 2, सेवन और 8, ठीक है। इसको सेव एज कर ले। इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस किधर है? हेलो जी सर, मैं भेज रही हूँ। ईटीओ की भेजना अब। जी सर, हाँ
सर मेल किया आपको? है? मेल किया? अब ये देखिए, ये सारी की सारी सीक्वेंस जो है ना वो हो गई है कन्वर्ट किसके अंदर? टेबल के अंदर। आप तो इसमें कंट्रोल ए कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेल में जाएंगे, इधर हमने पेस्ट कर दी। अब ये जो है ना हमारा एक एक टेबल की एक एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। ये वाली लाइन हमने सीक्वेंस वाली डिलीट कर दी, कॉलम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये है ना, इसके साथ ये दूसरा वाला है ना, ये सारा हमने इधर पेस्ट कर दिया, बल्कि सारे के अंदर हमने एक्सेप्ट सेकंड, क्योंकि सेकंड को सेकंड के सामने तो इतना पेस्ट करेंगे, सबके सामने हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई। अब पहले का हर एक साल बैच हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरे का करा दिया सबके साथ बैच। अब हम ये दूसरा था यहां पर सारा, अच्छा ये सारे दूसरे थे। अब इधर हम सारा पहला लिख देते हैं, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंदर पहला लिख देते हैं, फाइव सिक्स, ठीक हो गया जी सर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये नीचे वाला पहला तो हो गया ना सच, इसके साथ फाइव के साथ लिखेंगे, दूसरा तो हो गया ना इसके साथ, ये अब सारे कॉपी करके इधर हमने पेस्ट कर दिए, ठीक हो गया। अब दूसरा भी हो गया, पहला दूसरा दोनों हो गए, अब ये रह गए सारे, इनका आपस में रह गया इन इन चार पांच का, अगर हम इसको कॉपी करें, ये कितने कितने रह गए, 1 2 3 4, फोर कॉलम बनाते हैं, ठीक हो गया, ये फोर कॉलम बन गए, और इसके नीचे जो है ना 1 2 3 4, ये कॉपी किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया, एक एक्स्ट्रा बन गया था। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो गया, फिफ्थ वाला, सिक्स,
फोर तक हो गया ना, फिफ्थ रहता है, फोर्थ फाइव और सिक्स रह गया जी सर। फाइव भी नहीं हुआ, ये कितने रह गए, वन टू थ्री, थ्री का भी नहीं हुआ, थ्री का हो गया, हाँ सर थ्री का। वन टू थ्री फोर फाइव, सारे कॉम्बिनेशन बना के ना आपने जी सर, तकरीबन बन ही गए कि नहीं बने अभी सारे, अभी सेवन एट जी सर, सर हम कर लेंगे ये। अच्छा ये बना के फिर आपने इसको ये कॉलम इसके साथ वाले कॉलम पे आए, ये ना हो कि एक कॉलम इधर हो दूसरा कॉलम इधर हो। जी सर ठीक है, ये करने के बाद इसको कॉपी करना है और इसको फिर फास्ट इधर आपने नोटपैड वाली फाइल में जाके ना इसको पेस्ट कर देना, ठीक हो गया, और फिर इसको फाइल सेव एज कर लेना और आपने लिखना इधर जीन पेयर। जब जीन पेयर लिखेंगे तो ये हो गया। अच्छा अब आपने जो प्रोटीन की फाइल भेजी है मुझे ईमेल की है जी सर, ये भी वैसे ही की हुई आपने, ठीक है। अब इसका नाम हमने ना सबका वो चेंज करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे चेंज, टीवी टूल के अंदर एक ऑप्शन है, टीवी टूल के अंदर जा गया सीक्वेंस में फास्टा आईडी रीनेम, पहले हम फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करें इस इसी फाइल को जो अभी हमने डाउनलोड की है, ये वाली है ना आपकी, इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करो। बल्कि इसको हम ये वाली है ना कंट्रोल ए कॉपी, सीक्वेंट अब हमने इसको फास्ट टू टेबल कन्वर्ट कर देना, ये क्या हो गया इसको ठीक हो गया। अब जो फास्टर टू टेबल हो गई, अब हमने क्या करना है इसको कॉपी किया, अब हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट किया तो ये वाला जो हमारा टेबल है ना, ये वाला ये सारा टेबल ठीक है, और ऊपर ये पहले पेस्ट ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
अब ये देखें, अब हम चाहते हैं कि इसका जो नाम है ना चेंज हो गए, सॉरी इसको कॉपी करें, अब हम इसका नाम चेंज हो गए ये हो जाए, इसको कॉपी करके फास्टा में जाके एक नई फाइल बनाए, ये पेस्ट कर दी, हम चाह रहे हैं कि इसका नाम ये हो जाए, फाइल सेव एज चेंज नेम या चेंज आईडी, ठीक है, इसको सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, अब हम सीक्वेंस में जाके आईडी रीनेम, अच्छा अब हम क्या करेंगे यहां पर, ये डाउनलोड में प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है, और इसका जो नाम है ना चेंज होके वो जो हमने अभी सेव की है फाइल, वो किधर आ गई, वो कहाँ सेव कर दी हमने, ये वाली, अच्छा डाउनलोड में चली गई, ये चेंज आईडी, ये इधर पेस्ट कर दी, सेट मेयर इन्फो ओल्ड नेम न्यू नेम, रीनेम फिनिश, अब ये देखो सबका नाम चेंज हो गया, ये देखो प्रोटीन के अंदर भी, समझ आ गई जी सर, अच्छा ये इजी हो जाता है, अच्छा एक एक को चेंज करो ये सारे इकट्ठा और इसमें गलती भी नहीं होती, अब हमने क्या करना है कि टीवी टूर में जाके अब हमने टीवी टूल में जाके ये एनालिसिस कर लेना, बड़ा इजी है, टीवी टूल में जाना है, ठीक है, कैलकुलेटर इसमें जाके अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले ये पेप्टाइड की सीक्वेंस हमने इधर ऐड कर देनी है, और फिर आपने क्या करना है, सीडीएस की सीक्वेंस हमने यहां ऐड कर देनी है, और ये जो जीन पेयर है ये हमने इधर ऐड कर देनी है, और फिर आउटपुट डायरेक्टरी नेम आपने इधर ऐड कर देना है, ठीक है, और इसका नाम हम रख देंगे EDOKAKKS, इसको स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा एनालिसिस,
ये सारे का सारा नेल्सन हो गया, इसको कॉपी करें, इसको एक्सेल में खोले जावे। ठीक हो गया, ये सारे का सारा एनालिसिस आपका ये पड़ा एक मिनट में। ये के ए, ये के एस की वैल्यू, ये के ए और ये सारी की सारी ये आप यहां से कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा ये तो आप कर लेंगे, इसके बाद में उसका वो मालूम करना। अच्छा आप ये देखें, जिस चीज के अंदर एन ए एन आया हुआ है इट मींस वो डुप्लीकेट नहीं है, वो सारे आपने डिलीट कर देने हैं। और ये भी आपस में डिलीट कर देने हैं। अब ये पेयर आपस में डुप्लीकेट है, समझ आ गई? Only these genes are duplicate to each other. वन टू का है, फोर फाइव का है, सिक्स फोर का है, तो ये सारे के सारे आपने डुप्लीकेट जीन आपस में हो गए। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा ये तो हो गया, चलो ये तो आप कर लेंगे। उसके अलावा और वालेकुम सलाम सना, क्या हाल है बच्चे? सर ठीक सर, वो मैंने आपसे पूछना था कि वो जो हमने ट्री बनाया था ना सर, वो जो ACS का और उसका कंपेयर करके, तो सर मैंने आपसे पूछना था कि हमने मतलब ETO के लिए भी बनाना है वो सेम, तो उसके अंदर हम ETO के सीक्वेंस और ACS के रैबिडोप्सिस, या उसमें ETO रैबिडोप्सिस आएंगे? ETO बनाना और ETO रैबिडोप्सिस सर, तो फिर वो सीक्वेंस डाउनलोड करने पड़ेंगे रैबिडोप्सिस के? वो आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, ETO के कौन से इतने ज्यादा होंगे। तो सर फिर उसको नोटपैड में एक फाइल में ETO के और उसी में उसके म्यूसा के मिनाटा के दोनों के इकट्ठे डाल कर ट्री बनाना। सर मैंने रैबिडोप्सिस ACS के फाइंड किए थे तो वो तो 26 निकल रहे थे उस पे फाइटोसोम पे, लेकिन आपने जो फाइल सेंड की थी उसमें 13 थे। वही ठीक है जो मैंने सेंड किए। अच्छा, और सर मैंने आपको भी एक ट्री सेंड की है व्हाट्सएप पे। ये उसका ACS का है, तो सर इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है जो मैंने मतलब ये 1000 बूटस्ट्रैप से बनाया था मेथड से, और जो पहले भेजा था वो सिंपल था, तो इसमें सिर्फ ये एक काउंटिंग का प्रॉब्लम है, मतलब डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ये काउंटिंग ही हम तो ये ही सही है, तो ये रिक्वायर्ड है। ओके सर। सर फिर इसके बाद इसको आपने TB टूल्स में वो कंपेयर करते हैं CDD के साथ, वो वाला कैसे करना है? हाँ वो इसकी आपने इसको आपने बना के वो किधर आपका है वो फाइल, उसके अंदर से आपने वो न्यूविक फॉर्मेट कर दिया? जी सर, इसका मैंने न्यूविक भी डाउनलोड किया था, मैं आपको सेंड करती हूँ। वो सेंड कर दे मुझे। CDD भी आपने कर लिया था एनालिसिस? CDD का जी सर कर लिया। जी सर कर लिया था। वो आपने क्या करना है कि ये देखिए इसी के अंदर ना टीवी टूल के अंदर जाके आपने जाना है ग्राफिक्स में, फिर बायोस जी स्ट्रक्चर व्यू में जाके यहां आपने क्या करना है, यहाँ न्यूविक ट्री ऐड कर देना आपने। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। चलिए ये यहाँ आपने न्यूविक ट्री ऐड कर देना है, जहाँ पर मेमे की फाइल ऐड कर देनी है जी सर, व्हाट्सएप वाली XML।
सर। यहाँ पर CDD में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो डोमेन की फाइल है डाउनलोड की आपने CDD से, वो ऐड कर देंगे नीचे उसी प्रोटीन की फास्टा फॉर्मेट ड्रैग कर देनी है और इसको डन करके तो फिर आप ये इसको आउटपुट नेम देंगे तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्री भी बन जाएगा और साथ में नेम एनालिसिस भी एक ही जगह आ जाएगा और डोमेन एनालिसिस भी एक ही जगह आ जाएगा। ठीक है ये आपने करके मुझे भेजिए फिर मैं बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट कैसे करना है। ओके सर। ठीक है सर और कुछ? अच्छा आपने अभी भेजा है मुझे न्यू वेब फॉर्मेट। सर वो जो इसके अंदर जो इसकी जो फाइल है नोटपैड की इसके अंदर NP लिखा हुआ है तो वो क्या है सर? अब आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा सर। ये वाला नहीं चलेगा? नो सर ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि वो चेंज नहीं ना किया आपने नाम उसका। अभी मैंने चेंज नहीं कर दिए नाम ETO के सर। मैंने कहा था कि आपने ऐसे बनाने हैं नाम, आप लोगों को बहुत अच्छे पहले से मैंने कहा था कि आप सर प्रोटीन वाले कर लिए हुए थे, प्रोटीन वाले चेंज कर लिए हुए थे उसके ACS के सर। किए हुए फिर तो कोई इशू नहीं है, ये देखिए ना वो इसका दोबारा से ETO का दोबारा से बनाना पड़ेगा जी सर। सर ETO का तो अभी बना ही नहीं है। नहीं बनाया वो उसके सीक्वेंस डाउनलोड करने हैं ETO Rabidopsis के। अभी ये देखो हाँ ये किया हुआ है ये ठीक है MACS2 ये ठीक है सर। इनमें ये NP क्या है? ये ACS6 ये Rabidopsis का है ये लेकिन यहाँ पे AC जो Rabidopsis के उसके आगे तो AT लिखा हुआ था ना लेकिन लिखा हुआ है इधर ये देखे ACS6। अच्छा वो आगे फिट किया हुआ ठीक ये ACS12 ठीक है। आपने देखना है कि आपका किसके साथ ग्रुपिंग हो रही है। मैंने कल उस वो भेजे थे सबीन को कि आपका कैसे फाइलोजेनिक ट्री को कैसे आपने इसको करना है ये देखे। अब ये देखे जो टाइप 3 है ना उसके अंदर ये चार आते हैं 5 जो इसके साथ आपके आ रहे हैं वो टाइप 3 वाले हैं। ये ACS11 Rabidopsis का और ACS7 उसके साथ जो आ रहे हैं वो टाइप 3 है। जो ACS5-4 के साथ आ रहे हैं वो टाइप 2 है। जो ACS1 और 2 के साथ आ रहे हैं वो टाइप 1 है। और फिर इसके पेपर का भी और ये फिर ये जो इस जो जो है ना फिर 3 टाइप उसके एंड के ऊपर ये वाली डोमेन नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा डोमेन है 1 के अंदर 2 के अंदर ये डोमेन और तरह की है 3 के अंदर और तरह की है तो ये भी आपने देखना है। अच्छा और ये जो है ना ACS2 वाले ये इंटरेक्शन करते हैं जितने भी टाइप 2 है ना ये ETO के साथ इंटरेक्शन करते हैं।
नहीं लगी समझ। ये बताया था ना मैंने, टाइप वन है उसके एंड के ऊपर। अच्छा कल ना, कल नहीं जब शाम को या परसों को ना मैं आपको एक लेक्चर दूंगा सब बच्चों को इकट्ठा करके जितने भी एसीएस पे काम कर रहे हैं। तो ना अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन अभी जितना काम किया है ना वो कल या परसों, कल मैं एक वाइवा लेने जाना है, पूरा दिन बिजी होगा, तो परसों मैं आपको इसके ऊपर ना डिटेल लेक्चर दूंगा। ओके सर, ठीक है जी सर, अल्लाह हाफिज़। ये मैं आपको वैसे प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, शायद आपको भेजी थी, तो यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग बेटर। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़।